यह कहानी है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कफन। बुधिया झोपड़ी के अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। घीसु और माधव आग के अलाव में आलू भून रहे होते हैं। अचानक घीसु कहता है कि जा रे माधव, देख क्यों नहीं लेता झोपड़ी के अंदर हो क्या रहा है। वहाँ माधव कहता है कि अरे मर जाने दो, सवेरे से तो देख देख करके परेशान हो रहे हैं। घीसु कहता है कि जरूर उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। माधव कहता है हाँ हाँ ऐसा ही होगा। अचानक माधव सिर्फ इसलिए झोपड़ी के अंदर नहीं जाता है कि कहीं घीसु पूरी की पूरी आलू खत्म न कर दे, और वो आलू भी कहीं दूसरे जगह से चुरा कर लाई गई थी। घीसु इतना कामचोर होता है कि एक दिन काम करता है, 3 दिन बैठा रहता है। माधव इतना ज़्यादा कामचोर रहता है कि वह आधा घंटा काम करता है और 1 घंटे चिलम पीता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते वहीं उनकी नींद लग जाती है। वो अपनी धोती ओढ़ करके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है, झोपड़ी के अंदर माधव जाता है तो देखता है कि बुधिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, आँख ऊपर की ओर लटक गई थी और मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जो बच्चा जन्म लेने वाला था वो भी पेट के ही अंदर दम तोड़ देता है। दोनों बाप बेटे अपना सर ढूंढते हुए जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार बड़ा दयालु था। जमींदार उन लोगों को डांट करके और किसी तरीके से अपना जान छुड़ाने के लिए 2 रुपए उनके समक्ष फेंक देता है। जमींदार के द्वारा किए गए दान को वो गांव में घूम घूम कर बताते हैं और 1 घंटे में 5 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद लकड़ियां जुटाई जाती है, बांस काटे जाते हैं और ये दोनों बाजार चले जाते हैं कफन लाने के लिए। घूमते घूमते उनको कफन पसंद नहीं आता है। कभी किसी दुकान पे जाते हैं, कभी किसी दुकान पे जाते हैं। अंततः दोनों एक दूसरे से आँख में आँख मिला करके बात करते हैं और कहते हैं कि अरे महंगा कफन क्या, सस्ता कफन क्या, ऐसे तो कपड़े के लाले पड़ते थे, कौन सा बिना कफन के जला देंगे तो कौन सी कमी आ जाएगी। दोनों के आँखों में आँख मिलती है और दोनों चले जाते हैं मदिरालय की ओर। वहाँ मधुशाला में 1 बोतल वो शराब लेते हैं और उसके साथ भुनी हुई मछली। खाने के चखने का भी बंदोबस्त कर लिया जाता है और वो अपने आप में बात करते हैं, एक दूसरे को भी अपनी बात सुनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं कि बेचारी मरी तो मरी और मरने के बाद भी कुछ न कुछ हम लोगों को अच्छा दे करके गई, अच्छा खिला पिला करके गई। इसी तरीके से बात करते करते वो भर पेट पूड़ी का ऑर्डर करते हैं और पूड़ी खाते हैं। इसके बाद बची हुई कुछ पूड़ियों को वो भिखारी को दे देते हैं और ऐसा लगता है जैसे जीवन में उन्होंने कितना बड़ा परोपकार किया है। बात ही बात में वो घीसु के माधव से बताता है कि वो 20 साल पहले कितने अच्छे दिन थे जब मैंने ठाकुर की शादी में 50 पूड़ियाँ खाई थी। क्या रायते थे और क्या चटनी थी और क्या अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ पर परोसे गए थे। माधव भी कहता है कि आजकल कहाँ इस तरीके के दावत खाने को मिलते हैं, आज के लोग बड़े ही कंजूस हैं। इस तरीके से दोनों वहीं पीते पीते लुढ़क जाते हैं और अंत में गाना गाते हैं, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी।